पाठ्य पुस्तक में निहित देव के काव्य पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। सामान्यतः मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण जो पद हैं उनका अध्ययन आपको करवा दिया। आज अंतिम रूप में हम 19 और 20 पद को लेंगे, उसके पश्चात 23 से 27 तक लगातार जो पद हैं वो मैंने सबसे पहले व्याख्यान में आपको अध्ययन करवाया था। 19 और 20 पद में कवि देव ने अपनी जो श्रृंगार भावना है उसको अभिव्यक्त किया है। सामान्य रूप से हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में हिंदी जगत में विख्यात रहे हैं। रीतिकाल के कवियों ने आचार्य पद प्राप्त करने की सभी ने कोशिश की, किंतु कुछ ने इसमें सफलता प्राप्त की तो कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने गंभीरता के साथ काव्य शास्त्र का विवेचन नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव को इसी प्रकार के कवियों में मानते हैं। देव के संबंध में आचार्य शुक्ल की जो मान्यता है उसके संबंध में हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन्होंने उन कवियों में काव्य शास्त्र के क्षेत्र में यदि हम देखें तो देव ने भी अपनी पूर्ण दक्षता के साथ परंपरागत मान्यताओं का तो समर्थन किया ही, किंतु कई जगह पर उन्होंने अपनी नई मौलिक मान्यताओं की उद्भावना भी की थी। और वे एक स्थान पर तो स्वयं देव कहते हैं कि वे शब्द को काव्य का शरीर, रस को उनका प्राण और अलंकार को उसका शोभाकारक धर्म मानते हैं, तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण और अर्थमन रसमय सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते हैं। देव के संबंध में हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि शब्द शक्ति के तो वास्तव में ये एक मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। यदि हम पांडित्य की दृष्टि से देखें तो देव की यदि सारी रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो रीतिकाल के समस्त कवियों में जो देव का स्थान है वह हम आचार्य केशव से थोड़ा ही नीचे मान सकते हैं। तो यदि इस आधार पर हम ये कहें कि देव आचार्य नहीं है तो वह मान्यता शुक्ल जी की से हम पूरी तरीके से असहमति व्यक्त करते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र के जितने भी लक्षण और उदाहरण हैं वे देव के काव्य में हमें मिल जाते हैं। और जहाँ तक श्रृंगार की बात है तो देव ने अपने ग्रंथों में श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन के क्षेत्र में पूर्ण परिपाक दिखाने का प्रयास किया है। और यह जो पाठ्य पुस्तक में पद है उसको हम यदि देखें तो एक तरफ नायिका की आँखों की विवशता का वर्णन है तो दूसरे पद के अंतर्गत कृष्ण के प्रति जो गोपियों की एकनिष्ठ भावना है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो 19 और 20 पद को आप टेक्स्ट बुक में निकालें, हम उसका पहले वाचन करें आप, उसके पश्चात मैं इसकी व्याख्यान को आपको करवाऊंगा। जहां तक देव के इस पदों का आपने अध्ययन जो आप वाचन कर रहे हैं उसको आप गहराई से देखें कि इसमें क्या विशेषताएं आप देखने को आपको मिल रही है। धार में धाय धसी निर्धार हूं, जाय फसी उक्सी न अंधेरी, री अंगराय गिरी गहरी गई फेरे फिरी, और गिरी नहीं गेरी, देव कछु अपनो बसुना रस लालच, लाल चिते भई चेरी, बैगी ही बूढ़ी गई पंखियां, अखियां मधु की मखियां मई मेरी। इस काव्य अवतरण के अंतर्गत देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनके रूप माधुर्य के प्रति जो आसक्त हुई गोपियां हैं है ना, उसका वर्णन यहाँ पर वो कर रही हैं। नायक कृष्ण पर इतनी अधिक आसक्त हैं कि उनको देखे बिना वे रह नहीं सकती। अपनी जो विवस्था की स्थिति है, जो उनकी दयनीय, जो उनकी असहाय मनोदशा का जो चित्रण है उसका निरूपण एक सखी दूसरी से संबोधन करती हुई यहाँ पर इस 19वें पद में वह कह रही है कि हे सखी, धार में धाई दसी निर्धार हूँ, जाएँ फंसी उक्सी न बेरी, कि हे सखी मेरी आँखें कृष्ण के इस रूप सौंदर्य
की रूप माधुरी में ना इस तरीके से बिना किसी सहारे के दौड़ करके धंस गई है। धार में धाई धसी निर्धार, निर्धार कहते हैं बिना आधार के, है ना। तो बिना आधार के मेरी आंखें कृष्ण के इस रूप सौंदर्य के आकर्षण में इस प्रकार दौड़कर धंस गई है या इस प्रकार फंस गई है कि कितनी भी कोशिश कर लें अब वह निकल नहीं सकती। फंसी उक्सी न अबेरी, चाहे कितना ही प्रयास कर लें उसको निकालने क्या, अब वह नहीं निकल सकती। अब तो वे एकदम सांवले रंग के अंधेरे में डूब गई है। री अंगराई गिरी गीह गिरी, फेरी फिरो ओ गिरी नहीं गिरी। चाहे अब तो वे सांवले जो रंग वाले श्री कृष्ण हैं, है ना, उनके सौंदर्य में अर्थात सांवले रंग में इस तरह के अंधेरे में अर्थात श्री कृष्ण के अंतर्मन में इस तरीके से डूब गई है कि अरे सखी अंगड़ाई लेकर ये मेरी आंखें इतनी गहरी जा गिरी है कि पकड़कर फेरने पर भी ये किसी प्रकार से नहीं फिर सकती। फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गिरी कि पकड़कर यदि उनको फेरने की कोशिश भी करें तो किसी प्रकार से यह फिर नहीं सकती। श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका रूप सौंदर्य माधुर्य, उनका छवि उनकी इस तरीके से है कि चाहे कितना भी प्रयास कर ले मेरी आंखें, है ना, वह अंगड़ाई लेकर के इस तरीके से, है ना, गहरे तक जाकर गिर फंस गई है कि कितना ही पकड़ने के प्रयास करें नहीं पकड़ी जा सकती, कितना ही फेरने की कोशिश करें वह नहीं फेर सकती। वह तो जाकर के उस सांवले रंग के श्री कृष्ण में पूरी तरीके से फंस गई है। कवि देव कहते हैं कि देव कछु अपना बसुना रस लालच लाल चिते बहिचैरी, कि रूप से आसक्त गोपी जो नायिका है वह कह रही कि हमारा तो अब इस पर कोई वश भी नहीं है। कछु अपनो बसु ना, बसु कहते हैं वश को, वश में ना होना, है ना। एक गोपियाँ कह रही है, नायिका कह रही है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हमारी आंखें अब हमारे वश में नहीं हैं। वह तो कृष्ण के रूप रस के सौंदर्य में उसके लालच में, है ना, जाकर के उनके हृदय में जाकर के उनकी ही दासी हो गई है। आंखें श्री कृष्ण के रूप रस की पूरी तरीके से लालची बन चुकी है और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने के लिए उनके दासी बन चुकी है। बैग ही बूढ़ी गई पंखियां, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भाई मेरी, ना सखी दूसरी को कह रही है कि जिस तरह मधुमक्खी के पंख जब मधु में डूब जाते हैं तो फिर उसका उस शहद से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है, वैसी स्थिति एक नायिका अपनी आँखों की कह रही है कि जैसे मधुमक्खियों के जो पंख है ना शहद में मधु में जब पूरी तरीके से डूब जाते हैं तो वह निकल नहीं पाती है, वैसी स्थिति मेरी आंखों की होगी। वह कृष्ण के रूप माधुरी में जाकर के इस तरीके से डूब गई है कि कितनी भी कोशिश कर लें उन आंखों को वहां से निकालने की अथवा वह स्वयं कोशिश करें कि आँखें वहाँ से निकलें लेकिन वह कोशिश पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती है। तो एक नायिका या सखी जो है उसका संबोधन है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के माधुर्य में जो आँखों की व्यवस्था है उसका जो वर्णन है, प्रेम से आशक्त होकर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में फंसी हुई आँखों का जो वर्णन सखी के द्वारा किया गया है वह देव के श्रृंगार वर्णन के उत्कृष्ट सौंदर्य का परिचायक माना जा सकता है, क्योंकि अनुराग की जो भावना प्रेम में जो उत्पन्न होती है वह उसका एक पूर्ण परिचय इस पद के अंतर्गत कवि देव के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास यमक और उपमा का प्रयोग की छठा दृष्टव्य है और छंद के दृष्टिकोण से देखें तो मत गयंद और सवैया छंद में यहाँ दिखाई देता है। तो उक्त पद में देव की श्रृंगार भावना का जो वर्णन है वह परीक्षा में आपके उत्तर में आप इस उदाहरण को लिखने के लिए बहुत सटीक उदाहरण मान सकते हैं। अब 20वां पद लें आप। रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैननी के रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात, तुम्हारी बात बखानो, उदो आहा हरि सो कहियो, तुम हो न या यह हो नहीं मानो, या तन से बिछुरे तो कहाँ, मन ते अंते जू बसो तब जानो। इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण
गोपियों को जो विरह की अग्नि में छोड़ करके, जलते हुए छोड़ करके वो यहाँ से चले गए थे, मथुरा चले गए थे, तो वहाँ से वो लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो सूरदास ने जो अभिव्यक्ति की थी वही अभिव्यक्ति यहाँ पर देव के द्वारा हम प्रकट रूप से देखी जा सकती है। वियोग की अग्नि में जल करके जो वहाँ की गोपियाँ हैं उनकी पूरी तरीके से वे आंखें जल चुकी है, वे जल करके और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे वो निखर उठी हो। कृष्ण के द्वारा उद्धव को जो भेजा जाता है और उसको आकर के जो वो ज्ञान योग का उपदेश देते हैं ना, तब प्रेम वियोगिनी गोपियाँ उन्हें आड़े हाथों लेती है। इस पद को पढ़ करके हमें सूरदास जी के जो पद हैं जिसमें गोपियाँ उद्धव को आड़े हाथों लेती है और गोपियों की जो चतुराई, वाग विदग्धता, जो प्रगल्भता के दर्शन हमें सूरदास के पदों में होते हैं, वैसा ही दर्शन यहाँ पर देव के इस पद में हमें हो रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, आप हमारे कृष्ण से जाकर यह कह देना कि आपका रूप सौंदर्य तो हमारी आंखों में पूरी तरह बस गया है। रावरो, आपका रूप सौंदर्य रहो भरी नैनन हमारे नेत्रों में पूरी तरीके से डूब चुका है, भर चुका है। बैननी के रस सो श्रुति शानो, हम सब अपनी वाणी से क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण के, उनकी लीला के, उनके रूप सौंदर्य के, उनके माधुर्य के, है ना, उनकी रस भरी बातें हैं, उनको ही केवल आपस में सुना रहे हैं। हमारी कानें तो, कान तो केवल उन्हीं के रस को भरती है, अर्थात उन्हीं के जो, उन्हीं का जो गुणगान है, उन्हीं का जो पान है, प्रेमा शक्ति का पान, वह केवल उसी को सुनती रहती है। हम सबको अपने शरीर में ही आपके शरीर का जो स्वरूप है वह उनको झलकता हुआ प्रतिबिंब होता है। घात में देखत घात, घात कहते हैं शरीर, यहाँ पर हमारे शरीर में आपका शरीर अर्थात हमारी जो अंतरात्मा में श्री कृष्ण की जो छवि है वह इस तरीके से पूरी तरीके से केवल बसी हुई है, केवल उसी की छवि झलकती हुई वह प्रतीत होती है। बात तुम्हारी है बात बखानो, इसके साथ ही हम सब अपनी बातचीत में केवल हम श्री कृष्ण के संबंध में ही केवल वार्ता करती है, केवल बातचीत करती है। तुम कहाँ से यह तरह तरह के उपदेश हमें सुना रहे हो, कौन कौन सी बातें हमें कह रहे हो, पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आती है। गोपियाँ उद्धव से स्पष्ट कहती है, उद्धव हाँ हरि सो कहियो, तुम हो नहीं आ या हो नहीं मानो। वे स्पष्ट रूप से उद्धव से कहती कि हे उद्धव, तुम हरि से यह कहना कि भले ही आप हम सब से कहने के लिए भले ही दूर हो गए हो, उद्धव हाँ हरि सो कहियो, तुम हो न यहाँ, तुम भले यहाँ से दूर हो गए हो, तुम भले यहाँ नहीं हो, यहाँ हो नहीं मानो, लेकिन हम हैं जो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। अर्थात आपके द्वारा जो की गई समस्त क्रीड़ाएँ, आपके लीला रस, आपका जो माधुर्य भरी जो बांसुरी का बजाना, अनेक तरह की जो क्रीड़ाएँ, वो सब हमें इस बात का एहसास करा रही है कि जो आप यहाँ पर न हैं वो भी हमें यह एहसास करा रही है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। लेकिन या तन से बिछुड़े तो कहाँ, आप हमारे भले तन मन से है ना आपके दूर हो गए हो, भले तन से भले दूर हो गए हो लेकिन मन से हमारे दूर नहीं हो, या तन से बिछुड़े तो कहाँ, आप हमारे शरीर से भले ही आप हमारे से अलग हो गए हो है ना, लेकिन मन से आप हमसे बिल्कुल नहीं बिछड़े हो, आज भी आप है ना हमारे मन में सदैव बसे हुए हो। यानी जो एक हमारा भौतिक शरीर है ना, उससे चाहे आप बिछड़ गए हो लेकिन हमारे जो मन रूपी मंदिर में आप सदैव बसते रहोगे, आप सदैव मन ते अंत जो बसो तब जानो, मन से आप बिछड़ जाओ तब हम जाने कि आप हमसे अलग हो गए हो, अन्यथा हम तो यह बात बिल्कुल नहीं मानते हैं कि आप हमसे अलग हो गए हो। पूरा का पूरा जो पद है वह सूरदास के जो उद्धव को जो ज्ञान योग देते हैं, उद्धव उनको उसके बाद जो गोपियां जो उनको चतुराई से उत्तर देती है उसकी हमें याद दिला देती है। कृष्ण प्रेम के प्रति अगाध जो समर्पण है गोपियों का वह है ना सूरदास की भांति देव के इस पद में व्यक्त हुआ है।
गोपियों के कथन में जो एक उद्धव को एक संदेश है कि वे तो श्री कृष्ण से ही एक निष्ठ प्रेम करती है ना, उसी की व्यंजना इस पद के अंतर्गत हुई है। अनुप्रास और अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों पदों में हमने देखा कि सामान्य रूप से जो देव ने यहाँ पर जो प्रेम की अभिव्यक्ति है उसका पूर्ण समर्पण इन दोनों पदों में देखा जा सकता है।